टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो, मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को, जिसमें मौजूद हैं फैसल, यासिर, जुहेब और इमरान। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। जी हां, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। बिल्कुल नींद से भरा हुआ बैंड, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, ये कान आपके बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। कान बड़े बड़े इसलिए हो गए क्योंकि आज हमारा बैंड जरा सुस्त हुआ है, आवाजें भी कम आ रही है हमें स्टूडियो पे, तो मैंने कहा कान बड़े कर लें ताकि सबको एक दूसरे बैंड थोड़ा सा अभी जाग जाएगा। हां जाग जाएगा बिल्कुल। हां ये देखिए जागा जागा, एक दफा फिर से जाग जाएगा, जिंदा हो रहा है। आदि मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप ही का भाई इसी फील्ड में होता तो क्या होता? मैं ये फील्ड छोड़ देता। क्यों? क्योंकि हम भाइयों में हमेशा से ऐसे है कि जो भी एक जगह पे दो होते हैं तो लड़ाई हो जाती है, या तो सर फाड़ देते हैं या निकाल देते हैं। नहीं भाई, दुनिया में अच्छे भाई भी हैं जो एक साथ काम कर सकते हैं। मार्को स्टीव वो एक मिसाल है। देखिए मार वो स्टीव वो ये वो ये वो करते होंगे, हमारे यहाँ ये वो नहीं होता। हमारे नहीं, ऐसी बात नहीं, एक ही घर के एक ही दो लोग एक साथ एक फील्ड में हो सकते हैं। हाँ अच्छा होता अगर होते तो, एक दूसरे का सपोर्ट होता, एक दूसरे को सिखाते समझाते साथ ठीक करते, अच्छा लगता। अच्छा तुमने कभी ये सुना है? मैंने सुना है कि भाई दुनिया में एक शक्ल के सात लोग होते हैं, एक तो तुम्हारा है, तुम्हें कोई भी ऐसा आमना सामना हो कुछ जो तुम्हारे जैसा दिखता हो? नहीं नहीं मैं इस बात को नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल पे जो फिटकार है वो किसी और के मुंह पे नहीं है। ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा है, लोग कहते हैं कि जी मिलते जुलते लोग होते हैं। अच्छा हाँ, जैसे हमजा अली अब्बासी की शक्ल इमरान खान से मिलती है तो लोग कहते हैं कि वो एक जैसे हैं शायद। अच्छा इसलिए वो दाढ़ी रख के घूमते ताकि हाँ, थोड़ा अलग लगे। घबराना नहीं, वो कहते आप भी लग रहे हैं थोड़ा सा। नहीं वो तो मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो, तुमने गौर किया? मैंने कहा आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अच्छा इतनी इज्जत, मतलब फाइनली वो दिन आ गया तो मजेदार शो पे पॉलिटिशियन आ रहे हैं। नहीं नहीं पॉलिटिशियन क्यों, वो कहा ना आपने इज्जत दी, आपने इज्जत देने का क्या मतलब है कि आपको लालच है आपको को प्लॉट? मैंने आज के इसलिए कहा क्योंकि एक से ज्यादा गेस्ट हैं आज, एक जो कि दिखने में भी एक जैसे हैं, दिखने में भी एक जैसे, इक्वली टैलेंटेड हैं। Equally? हाँ इक्वली टैलेंटेड है, मतलब एक जितने अच्छी एक्टिंग करते हैं दूसरी भी इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जितना अच्छा दिखते हैं दूसरे भी उतना अच्छा दिखते हैं, एक जितना अच्छा डांस करता है दूसरा भी उतना अच्छा डांस करता है। अच्छा तो मुझे पागल बना रहे हो, एक ही मेहमान दो बार बुलाओगे आज, ये कर रहे हो? अरे दो अलग अलग लोग हैं यार, दो अलग अलग लोग सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं यार? तुमने ट्विंस के बारे में नहीं सुना? ट्विंस? हाँ मैंने वंस के बारे में सुना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल बॉय। ट्विंस क्या होता है? ट्विंस होता है जो दो एक जैसे लोग होते हैं दिखने में। अरे असली में कहाँ होते हैं, फिल्मों में होते हैं? नहीं नहीं असली में भी होते हैं यार, असली में। तुम एमन मलाल को नहीं जानते? एमन मलाल को तो मैं जानता हूँ। फिर ट्विंस है वो, बहुत अच्छी भी है। हाँ ये भी बहुत अच्छी, मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स का मसला नहीं, 100 कमेंट्स, ये भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। दो जबरदस्त भाई जो कि इक्वली टैलेंटेड है माशाल्लाह, जो काम करते हैं जबरदस्त करते हैं, और आज हमने उनको यहाँ बुला लिया है भरपूर तालियों में। हम्माद एंड फराज दारू के। वाह भाई वाह, आइए आइए। कैसे हैं? देखो दो एक जैसे लोग हैं। हाँ वाकई में मुझे तो ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए मैं कुछ करके आया हूँ। कैसे हैं? नहीं नहीं बहुत सी चीजें करते हैं ना। बैठे जी बैठे भाई, वेलकम टू द मजेदार शो। और आप दोनों तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं, तो थोड़ा सा फर्क होगा। क्या करें, निशान लगा दें ताकि तुम पकड़ो? क्या आप मतलब? मुझे निशान लगा दो, मैं वैसे ही कलर ब्लाइंड हूँ तो मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगा। बस ऐसी जगह लगाना जहाँ से पकड़ सको। हाँ हाँ मैं तो कहीं से भी पकड़ लेता हूँ। वो निशान की बात कर रहे हैं, निशान की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे तुम लोग भी उनको भला बना के क्यों दे रहे हो? मुझे ये बताइए कि आप में से हमाद कौन है, फराज कौन? ये हमाद है, ये फराज है। ये मुश्किल हो जाएगा, शो लंबा है। अच्छा एक काम करते हैं कि जब भी मैं कहूँ ना कि हमाद, तो आप दोनों में से जो हमाद है वो हाथ खड़ा कर ले, और जब मैं कहूँ फराज तो फराज हाथ खड़ा कर ले। यार ये पूरी दुनिया को पता है हमाद फराज, तुम ये क्या किस काम पे लगा? अरे पीछे देखो क्या हुआ, हमाद फराज भी एक ही ने हाथ खड़ा कर। दोबारा करें। हमाद हाँ, फराज आप जी कैसे हैं? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि एक ही बंदा मार रहा है? तुम्हें लगता है तुम लोगों को तंग कर सकते हो?
अच्छा ये हो रहा है जी। चलो ठीक है, तू गैसी आज तू गैसी करता रह जाएगा कि हम कौन वाला है। 2 इज़ इक्वल टू 0। हां इसीलिए मतलब ये हुआ कि अगर हमने इनको तंग किया और इन्होंने हमें तंग किया तो शो कहीं भी नहीं कोई बात नहीं, हमारा शो का मकसद भी यही है। ठीक है, अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जब भी कोई एक्टर आता है, मैं ये सवाल करता हूं कि जब एक प्रोजेक्ट आता है तो उसको हां करने में कितनी देर लगाते हैं, क्या देखते हैं पहले? स्क्रिप्ट देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, को एक्टर देखते हैं, और आप दोनों के मामले में ये बताइए कि ये डिसाइड होता है कि ये मैंने करना है जो जिसको ऑफर हो जाए। अच्छा अमूमन ऑफर मुझे होती है क्योंकि फराज थोड़ा कम काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हर इंसान मेरे ख्याल से हर एक्टर स्क्रिप्ट देखता है, स्क्रिप्ट कितनी पावरफुल है, स्क्रिप्ट में क्या रोल है और क्या इसमें आगे गेम्स होंगे, उसके बाद डायरेक्टर और फिर चैनल आपका लगती है कि चीज़ें आप किस लेवल पे जाके खेलेंगे। ठीक है, फराज अगर कभी फ्री होता है और कहते हैं कि हमारे डेट्स हैं, मैं कहता हूँ यार डेट्स थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, काम करें फराज से कोऑर्डिनेट करें, फराज के पास डेट्स हैं वो कर लेंगे आपके प्रोजेक्ट। और मुझे ज्यादातर कहते हैं विलेनिश कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो ज्यादा अपीलिंग होते हैं क्योंकि उसके अंदर मार्जिन बहुत होता है परफॉर्मेंस का। यार ये हुई ना बात। ठीक है, तो हर कोई चॉकलेटी हीरो है, कुछ करके दिखाओ यार अलग से। यार मेरा तो इस बारे में बयान ये है कि हीरो बहुत बोरिंग होता है यार, बचपन से हीरो देखते आ रहे हैं, हमें पता है इसका आखिर में अच्छा ही हो जाना है। हाँ। क्या कौन सी कमाल बात है, विलन जब तक नहीं होगा तो हीरो खड़ा कैसे होगा? ऐसे ही है। हाँ, और आजकल तो ये भी हो गया ना कि विलनिश हीरो आजकल ज्यादा इन हो गया है, तो हाँ। वो भी जरा मजेदार गेम हो गया, लेकिन इस तरह कैरेक्टर्स असल में लोग एक छाप लगा देते हैं, ये हीरो ही अच्छा है, ये हीरो ही अच्छा है, डिफरेंट कैरेक्टर को कंसीडर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे एक्सपेरिमेंट से भी तो डरते हैं लोग, बहुत लोग डरते हैं। इसके अंदर एक चीज ऐड करूंगा, देखें एज एन आर्टिस्ट आप एक्टर नहीं काउंट करो अपने आप को, आर्टिस्ट काउंट करो जो कैरेक्टर्स प्ले करे। जो कि चैलेंजिंग होता है आपके लिए, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होता है ना, आज आपने एक कैरेक्टर किया, दूसरे कैरेक्टर में आपका गेटअप चेंज है, आपकी वॉइस टोन चेंज है, आपका लुक, बॉडी लैंग्वेज चेंज है, तो वो आपके लिए एक प्रॉमिसिंग होता है यार, हां आई कैन डू समथिंग बेटर व्हिच आई हैवन डन बिफोर। तुम लोगों के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है कि तुम लोग वेट गेन करके एकदम बफ हो जाते हो फिर एकदम वापस लीन हो जाते हो, ये मतलब यार रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट वही लाइपो कराते होंगे वेदान, लाइपो लाइपो ये हमारा भाई बफा हुआ उसके बाद मेरा लीन नहीं हो पाया, वहीं रुक गया, वो मशीन खत्म हो गई, मेरी चांपे वापस नहीं आ रही है, खुल गई है चांपे। लेकिन आदि एक बात साइको हो गई, लेकिन एक बात अच्छी, आदि आप जिस तरह हैं आप उसमें बहुत प्यारे लगते हैं, बेशक मेरी माँ की दुआ है जो मुझे वो 3-4 दिन में एक बार देती है वो कबूल हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि भाई हमें एक्टर को ना एज एन एक्टर अपने आप को नहीं देखना चाहिए, एज एन आर्टिस्ट देखना चाहिए, तो ये तो आपने पढ़े लिखों वाली बात कर दी ना। हमारे यहाँ तो मैंने अक्सर देखा है कि एक्टर जो है वो एक रिक्शे वाला या टैक्सी वाले की तरह है कि जब वो सेट पर घुसता है तो अपना मीटर घुमा देता है और जल्दी से 10 घंटे देख रहा होता है कि दिहाड़ी लग जाए, ये क्या है? वजह ये है कि ये भी ट्रेंड चल चुका है, पहले नहीं था आई थिंक, जो हमसे सीनियोरिटी पे लोग बैठे हैं जैसे फैसल भाई, नौमान भाई और बड़े बड़े और अदाकार हैं, बड़े बड़े लोग वो इस तरह नहीं सोचते, उनकी टाइम उनकी कह लेंगे पंचुअलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनके लिए प्रायोरिटी काम है खाली, वो प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट लेकर अपना काम समझ कर करते थे। आज हम सब ये कहते हैं कि यार अल्लाह माफ करके कहना नहीं चाहिए, वो दिहाड़ी वाला सिस्टम बिल्कुल तो वो बहुत गलत ट्रेंड है, 10 घंटे का पूरे होंगे। हाँ जी, और इसके अलावा सॉरी कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो आप इस प्रोजेक्ट में भी कोई मसला है तो आप हमारा दूसरा भी कर लें, कोई मसला है हम डेट मैनेज कर लेंगे, वो तो ये देख रहे हैं कि यार डेट मैनेज हो रही है, मेरे सर दर्द ही नहीं है कुछ, तो फिर चलो ओके। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि ये सारी चीज जो है वो प्रोफेशनलिज्म और शऊर की बात है, अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है किसी मुकाम तक पहुंचाया है तो उसको आप मिसयूज ना करो, बिल्कुल ठीक है। आपका जो एक टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम पे आप जाते हो उसी टाइम से आते हो, घर पे हम जो भी खा रहे होते हैं वहाँ जाके हमारे टेंट्रम्स चेंज होते हैं, ठीक है, हमें भाई मैं 1 घंटे तक मेकअप बहुत दिन बाद अपने जैसे लोग मिले, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए, बिल्कुल। यंगस्टर जितने भी न्यू टैलेंट आ रहे हैं तो सारे एजुकेटेड, इसके ऊपर एक बहुत प्यारी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि बेहतरीन ये वो बेहतरीन इल्म वो नहीं है जो आप जबान से अदा करते हैं, बेहतरीन इल्म वो है जो आप किरदार से शो करते हैं, ठीक है, तो आपका किरदार होना चाहिए कि आप whosoever you are, whatever you do with the perfection, be a good mechanic rather than a bad doctor, ये वो वाली एग्जांपल है। तो समझ में आया, इंग्लिश में बोला था, बस मुझे समझ आया कि डॉक्टर जो है ना वो बेहतरीन मैकेनिक होता है इंसानों का, ये बात है। शाबाश, मुझे पता था तुमने ये समझा हुआ। अच्छा ये बताएं कि दोनों में से बड़ा कौन है और कितना बड़ा है? मैं 5 मिनट बड़ा हूँ। 5 मिनट बड़ा, आपको जल्दी किस बात की थी यार? ये तो मुझे नहीं, ये डॉक्टर को जल्दी थी। बराबर एज वाली ही है, उसमें कोई वाला है कि यार कभी जता है ना मैं तुमसे 5 मिनट पढ़ा? नहीं नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम ऐसे हम दोस्त भी अच्छे हैं, हम भाई भी अच्छे हैं, हम अच्छा बुरा शेयर करते हैं, इवन स्क्रिप्ट भी आती है तो हम शेयर करते हैं, फराज ये कैरेक्टर ऐसे क्या कहते हो, करना चाहिए तुम्हारे पास डेट से, तुम कर सकते हो तुम कर लो, मतलब इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं माशाल्लाह। तो आप दोनों सिंगल हैं या आप दोनों की शादी हुई है या मगनी हुई? यार आप अभी गूगल करें सब पता चल जाएगा आपको। किस किसी से गूगल करते हो? तो मेरी शादी हुई है तो गूगल पे मुझे यकीन है यार, मैरिड अलहमदुलिल्लाह दोनों। अच्छा तो शादी से पहले
तो जाहिर सी बात है कि ये आई कहानी नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ जनरल कंसर्न। यस, ये कंसर्न। शादी से पहले आप भी लड़के होंगे जवान? नहीं, अभी भी लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो वाले नहीं है, इधर ही रहेंगे, इसी तरफ रह गए। तो जब आप लोग बिल्कुल सिंगल थे तो आप लोग की गर्लफ्रेंड्स भी होती होंगी? लेकिन कभी किसी के साथ ये किया कि आपने अपनी तस्वीर भेजी और आप बिजी थे तो मिलने ये चले गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सब नहीं नहीं नहीं, सबने निशानियां लगाई थी। जिसको तस्वीर भेजी थी ना, वो कहती थी यार दोनों ही आ जाओ, क्या करना। मुझे लगता है अब जो उन्होंने हेयर स्टाइल चेंज किया ना, उसकी वजह यही है, इसी वजह से कंफ्यूजन ना हो। हां, ये अभी भी होती, लोगों को कंफ्यूजन वैसे बहुत होती है, अभी भी बहुत होती है। जो नए लोग मिलते हैं वो बड़ी मुश्किल से पहचान पाते हैं। इवन बहुत अजीब सी एग्जांपल है कि हमारे पेरेंट्स अभी तक नहीं पहचान पाते सही से। इवन सिबलिंग्स जो हैं, फैमिली जो हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स, अगर हमाद बैठा है पीछे से आवाज दी हमाद, फराज फराज फराज, अब वो हमाद तो सुनेगा नहीं ना, वो तो समझ रहे फराज भाई जो भी हो आ जाओ यार, जो भी हो आ जाओ। ठीक है जी, आपने देखा दो जबरदस्त मेहमान हमारे पास मौजूद है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे पास मौजूद है हमाद और फराज फारूकी। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे पास मौजूद है हमाद और फराज फारूकी, जिनके साथ हम खेलने लगे हैं दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। आपसे एक सवाल किया जाएगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, एक जवाब देना ही देना है, इसमें बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, और हर सवाल का जवाब आप भी देंगे और आप भी देंगे। अच्छा, सवाल के बाद उसका मतलब क्यूरी तो नहीं पता नहीं क्यों नहीं, कैसे नहीं, कैसे ये आप इजी रखेंगे। पहले आपसे सवाल आता है हमाद, शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर? लॉन्ग हेयर। सीरियस कैरेक्टर और कॉमिक कैरेक्टर? सीरियस। बाइसेप और ट्राइसेप? बाइसेप। विच चीज विदाउट चीज? विदाउट चीज। राइटिंग और डायरेक्शन? डायरेक्शन। ऑटोग्राफ और सेल्फी? सेल्फी। गॉसिप करना या सुनना? कुछ भी नहीं। सिल्वेस्टर स्टलोन या फिर अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर? सिल्वेस्टर स्टलोन। डांसिंग और सिंगिंग? डांसिंग। फराज़ आपकी बारी, शॉर्ट हेयर या लॉन्ग हेयर? लॉन्ग हेयर। सीरियस कैरेक्टर या फिर कॉमिक कैरेक्टर? सीरियस। बाइसेप और ट्राइसेप? बोथ। भाई बोथ नहीं बोल सकते आप, एक बाइसेप या ट्राइसेप, एक बताओ। बाइसेप। बाइसेप। विच चीज विदाउट चीज? विदाउट चीज। राइटिंग और डायरेक्शन? राइटिंग। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। गॉसिप करना या गॉसिप सुनना? नथिंग। सिल्वेस्टर स्टलोन या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर? आर्नोल्ड। डांसिंग और सिंगिंग? डांसिंग। वेरी गुड। आदि भाई आपका वक्त आ गया, डील बता दें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको डील बताऊंगा, आप दोनों के सामने एक क्यूब पड़ा हुआ है। वैसे हम एक गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके सामने एक होता है, लेकिन आज आपकी आसानी के लिए हमने दो लोगों को एक दिया। अगर आपने मेरे सवाल खत्म होने तक या हम दोनों के सवाल खत्म होने तक इसको सॉल्व कर लिया तो आपको कैश 2,00,000 रुपया। दो लोग बढ़ा दे, छोड़ दे छोड़ दे, कुछ और करते नहीं। दो लोग बढ़ा दे, पैसे बढ़ा दे, हम तो एक को 2,00,000 देते ना। चले 3,00,000 रुपए। चले। और अभी आपकी मैथ गलत है, 2×2=4। नहीं नहीं, अब डेढ़ डेढ़ कर दिया ना, तुम पैसे तो करो, आपको पता है कोरोना चल रहा है, हालात सही नहीं है, मैनेज करो। तो अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो अभी तक जितने भी गेस्ट आए उनमें से 3 सॉल्व कर चुके हैं और तीनों को मिला है। तो चले जी, सबसे पहला सवाल के जवाब देने होंगे साथ साथ। हाँ, जी बिल्कुल, आपने भाई तुम्हारा फायदा ये है कि जब वो जवाब दे रहा तो तुम अपने जवाब दे रहे हो तो वो अटेम्प्ट कर ले, कैसा जिंदगी आसान। चलो चले जी, हमारे भाई आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि लंबे कद की लड़कियां, छोटे कद की लड़कियां, दरमियाने कद की लड़कियां, ये बताएं वो लड़कियां जो सीटियां मारती हैं, लड़कियां जो शर्माती हैं, जो सीटियां मारती हैं, ये बताइए समंदर में जाके पानी के अंदर घुस जाना या रेत से दूर होकर बैठना कि मैं गंदा हो जाऊंगा? नहीं, रेत से दूर होकर बैठ जाना कि गंदा हो जाऊंगा। अगर किसी लड़की की गाड़ी खराब है तो क्या करेंगे, उतर के उसकी मदद करेंगे या उतर के उसका नंबर मांगेंगे? नहीं नहीं, मदद करेंगे, नंबर तो खुद ही मिल जाएगा। ये बताइए मॉल में आप जा रहे हो और सामने से 3-4 लड़के और लड़कियां मिक्स होकर आगे और बोले सेल्फी लेनी है, तो आप कहेंगे जरूर ले लें या प्लीज यार मैं बिजी हूं? एक सेकंड, ये तीन लड़के लड़के मिक्स हो के आ रहे हैं, क्या मतलब? लड़के लड़के मिक्स आ रहे हैं ना, मतलब ग्रुप आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, ग्रुप बोल, मैं कहूंगा ले लीजिए, एक ग्रुप आ रहा है तो आप कहेंगे मैं ले लीजिए। अच्छा बताएं, अगर आपको कोन दी जाए और कोन गिर रही हो तो क्या आपने आपको बचाएंगे या अपनी जुबान से मैनेज करेंगे उसको? यार मैं कोशिश करूंगा अपनी जुबान से मैनेज करूंगा। ये वाला, ये बताएं मीठी पूड़ी जब आप खाते हैं गोलगप्पे में, मीठी पूड़ी होती है उसमें क्या करते हैं? लड़के की मेहनत चेक करो, 3,00,000 रुपए। गोलगप्पे में जब मीठी पूड़ी डालते हैं तो उसके साथ इमली का पानी लेते हैं, खाली मीठी पूरी खाते हैं? खाली मीठी पूरी खाते हैं यार। गोलगप्पा हाथ से खाते हैं, चम्मच में डाल के? नहीं नहीं, हाथ से खाते। अच्छा, बिरयानी में आलू खाते हैं बगैर आलू के? बगैर आलू के। पाए या निहारी? निहारी। आम में फोक से खाऊंगा या फिर गुड़ुच करके खाऊंगा? नहीं, फोक से खाऊंगा, फोक से खाऊंगा। चलो भाई उन पे आ जाओ, चलो भाई, ला भाई, फराज भाई आपकी बारी। गया, ये तो ये बताइए ऑटोमेटिक गाड़ी या मैनुअल गाड़ी? ऑटोमेटिक गाड़ी। ये बताइए गाड़ी या रिक्शा? रिक्शा। ये बताइए रिक्शा या मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल। पहाड़ों में घूमना हो तो साइकिल चलाएंगे या बाइक पे जाएंगे? पैदल जाएंगे। पहाड़ों में पैदल जाएंगे? आप कैसे जाते हो? ट्रैकिंग करनी उसने? अच्छा अच्छा, पहाड़ों में जाके पैदल जाएंगे। अच्छा ये बताइए लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। एक बारी में 3-4 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या एक ही से प्यार करो, क्योंकि प्यार एक ही बार होता है? 3-4 हो लेकिन प्यार एक से करो।
कैसा दोनों वाह इस्तेमाल किया ये बताइए समंदर जाके घोड़े पे घोड़ा दौड़ाना या वो बगी पे बैठ के गाड़ी चलाना गाड़ी चलाना हाँ। ये बताइए कि आप दूर जाके अकेले बैठना चाहते हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े बहुत सारे लोगों के साथ बीच में बैठना चाहते हैं। चलो भैया बताओ चॉकलेट या कॉफी चॉकलेट बर्गर या बन कबाब बन कबाब जैकेट या स्वेटर जैकेट लॉन्ग स्लीव या स्लीवलेस सॉरी लॉन्ग स्लीव या स्लीवलेस स्लीवलेस मायरा खान या फिर महवेश हयात मायरा खान बिरयानी या दाल चावल दाल चावल मेल क्वार्टर्स या फीमेल क्वार्टर्स फीमेल ट्विंस या ट्रिपलेट्स Twins. चलो भाई तुम्हारी बारी आ गई चॉकलेट या कॉफी कॉफी बर्गर या बन कबाब बर्गर जैकेट या स्वेटर जैकेट लॉन्ग स्लीव स्लीवलेस स्लीवलेस मायरा खान महवेश हयात महवेश हयात बिरयानी दाल चावल दाल चावल मेल क्वार्टर फीमेल क्वार्टर फीमेल ट्विंस या ट्रिपलेट्स ट्विंस चलो आदि भाई ये बताइए सदर या लांडी 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 या करेंगे करेंगी अबे क्या कर रहे हैं चलो ये बताइए बस में सफर करना है या किसी से लिफ्ट लेना लिफ्ट लेना ये बताइए पैसे ना हो तो दोस्त से उधार मांगेंगे अपने आप का गुजारा करेंगे अपना गुजारा करेंगे ये बताइए कॉमेडी या सीरियस एक्टिंग सीरियस एक्टिंग ये बताइए अच्छी स्क्रिप्ट या बहुत ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा पैसे वो जितनी मेहनत से कर रहे पता लग रहा है पैसे बहुत ज्यादा पैसे बताइए अगर मैं आपको कम पैसे कैश दूं और ज्यादा पैसे पोस्ट डेटेड चेक में दूं तो क्या लेंगे कम पैसे कैश में ठीक है ये बताइए कि अगर आपके सामने एक लड़की खड़ी है और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ तो आप उसके लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं मैं कहूंगा छोड़ दो मुझे भी मुझे भी छोड़ दो चलो अच्छा आपकी बारी नहीं पूछो हाँ ये बताइए कि फिटेड कपड़े या लूज कपड़े फिटेड कपड़े मैं अपने कपड़े भी पहनता हूँ या मैं अपने भाई के कपड़े भी पहन लेता हूँ भाई के कपड़े भी पहन लेता हूँ मेरी चीज को इस्तेमाल करेगा मेरी चीज को घर में इस्तेमाल करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा या कर लो यार आप सबकी है कर लो यार सबकी है अगर घर में एक गाड़ी और सबने कहीं कहीं जाना और आपने भी जाना हो तो अपनी गाड़ी छोड़ देंगे अपनी गाड़ी है मैं तो लेके जाऊंगा सबको साथ लेके छोड़ता हुआ जाऊंगा वाह बहुत सारे दोस्त या एक दोस्त लेकिन सच्चा दोस्त एक दोस्त सच्चा दोस्त पार्टी में जाके नाचना पार्टी में जाके मैं इतना कूल हूं मैं नहीं डांस करता पार्टी में जाके नाचना अच्छा मेहंदी में जाके खुद से डांस कर लेते हैं या मेहंदी में जाके जब सारे दोस्त बोलते हैं कहते हैं नहीं जोर से आते हैं बोलते हैं कर कर चल ठीक है भाई स्क्वाट्स या लंजेस लंजेस चिन अप्स या पुशअप्स चिन अप स्ट्रिक्ट डाइट या फिर ईट एंड बर्न स्ट्रिक्ट डाइट ट्रैवलिंग अलोन या फिर ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स बारबेक्यू पार्टी या बर्थडे पार्टी बारबेक्यू पार्टी वोट देते हैं या फिर आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स चलो भाई तुम्हारी बात स्क्वाट्स या लंजेस स्क्वाट्स चिन अप्स या पुशअप्स चिन अप्स स्ट्रिक्ट डाइट या ईट एंड बर्न Eat and burn. Traveling alone या फिर traveling with friends? Traveling with friends. Barbecue party या birthday party? Barbecue party. Vote दूंगा या फिर I don't believe in politics. खुद को दूंगा vote. और खुद को दूंगा. चलो भाई. एक बस एक एक सवाल लग गया. ये बताइए कि पान या छानिया? छानिया? छानिया. सानिया सानिया सानिया. नहीं नहीं. पान या छानिया? छालिया. या ये बताइए गुटका या पान नहीं कुछ भी नहीं ये बताइए पीक मारना या अंदर कर लेना कुछ भी नहीं क्यों भाई अक्सर लोग पीक मारते ना हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा ये बताइए गला खराब हो तो धूप फेंकेंगे या अपने अंदर ही मैनेज करते रहेंगे नहीं 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 फेंकेंगे अच्छा भाई दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला लेकिन आप नहीं कर पाए छोड़ दें 3 लाख रुपए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जल्दबाजी मत करना सोच समझ के जवाब देना आप दोनों अकलमंद पढ़े लिखे लोग हैं ये देख रहे सीरियसनेस इसमें एक स्कोर कार्ड चल रहा है वो स्कोर कार्ड आप लोग चेंज कर सकते हैं खामोशी मुझे बताइए आदि या फैजान दो इस पे गंभीर म्यूजिक दो गंभीर म्यूजिक बजाओ इस पे जल्दी करो ये जैसे द मजेदार शो अकेले अच्छा नहीं होगा वैसे आप दोनों भी अच्छे नहीं होशियारी नहीं करो ये होशियारी है समझ है भाई मिल के आज हमारी किस्मत का फैसला एक ही जवाब देना है डिसाइड करो आप सोचना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है अच्छाइयां और बुराइयां गिन लो हमारी ऐसा करो सुलंगी सोचो सोचो फैजान की आदि जल्दी बताओ इतनी ओवर एक्टिंग ना कर यार फैजान की आदि एक बताओ एक बस कोई होशियारी लाजमी एक बताना है एक बताना स्कोर कार्ड है मजेदार शो नहीं बस भाई, नहीं भाई हम इसमें आप मानते ही नहीं नहीं भाई पैसे काट दो नहीं देना नहीं बता हाँ, आपके बगैर जाने नहीं देते हम ये भाई स्कोर कार्ड चले लगी भी हमारी आपस में जल्दी बताओ जल्दी हम दोनों अलग अलग बताएंगे ना नहीं दो बंदे अलग अलग बताएंगे हमें तो अपॉर्चुनिटी है हमें तो अपॉर्चुनिटी है अलग अलग बताएंगे मैं आ रहा हूं ऑनलाइन जा सकता हूं नहीं करो अमात दो बंदे बंदा चूज कर रहा हूं तू दो बंदे अच्छा एक सेकंड वक्त खत्म हो रहा है ब्रेक पे जाना है 5 4 3 2 1 करूंगा एक नाम चाहिए दो नाम अमात अपना नाम बताएगा मैं अपना बता दो बंदे हम आवाज आपका एक नाम चाहिए 5 4 3 साइलेंट 2 1 एक नाम
कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी ये दोनों अकेले अच्छे लगते हैं। हम ब्रेक लिए हमेशा तफर्रुका हम ब्रेक लिए जाएंगे जब भाई मत करो भाई। आप जैसे जैसे हम्माद के बगैर फराज अधूरा है, वैसे आदि के बगैर फैजान अधूरा है। बहुत टेक्निकल खेल रहे हैं, इनको पता नहीं हमारा भी। हम इमोशनल नहीं होंगे, हम एडिट पे काटते जाएंगे। हम निकलने वाली शय नहीं है। दे एक नाम दे भाई, एक नाम दे, एक नाम देना जरूरी है क्योंकि उसके बगैर ये राउंड कंप्लीट नहीं होता। जल्दी करो, जल्दी करो, ब्रेक होने वाला है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आदि आदि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं। एक छोटे के एक छोटे से सवाल का जवाब बहुत महंगा पड़ेगा दोस्तों। ये देखो खुशियां, देखो खुशियां, खुशियां आगे जाके करना, आगे जाके करना ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि अभी स्कोर कार्ड में मैं बहुत आगे हूँ। आवाज क्यों नहीं निकले? आज की बात कर, आज की मर्द का बच्चा है तो आज की कचरा भी अपनी जगह बदलता है। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। वक्त भाई जी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है हम्माद और फराज। आप देख रहे हैं मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। हमारे साथ मौजूद है हम्माद और फराज फारूकी। दोस्तों हमने एक सिलसिला ये शुरू किया कि हम हर शो में अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसे टैलेंट को जिसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि हम सब स्ट्रगल करके आए। मैं बड़े धड़ल्ले से बात बोल सकता हूँ और हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात पे। तो हमारी कोशिश है कि हम जब इस पोजीशन पे आ गए कि हम किसी को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं तो हम क्यों ना दें। बिल्कुल। तो और माशाल्लाह से इतने जबरदस्त टैलेंट हमारे पास अब तक आया है कि जो आता है माशाल्लाह, वो शो के बाद हम जब यूट्यूब पे उनके कमेंट्स देखते हैं तो लोग उनकी तारीफें माशाल्लाह ज्यादा कर रहे होते हैं। वी आर वेरी ग्लैड कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर दिस। आज जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है वो है एब्सोल्यूट सो क्यू कुशन अकेडमी से आए हैं और वो जूडो कराटे के मास्टर हैं सारे। जो उनको लीड कर रहे हैं उनका नाम है बासित ब्रोही। मैं चाहता हूं पहले उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। बड़े फिट लग रहे हैं। मुझे बताएं कब से ये कर रहे हैं आप? मैं 2007 से कर रही हूं। 2007 से कर रहे हैं माशाल्लाह। और आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली क्या किया हुआ, ये ब्लैक बेल्ट के पीछे क्या राज है? ब्लैक बेल्ट मेरा थर्ड डान है। आप इस तीन पट्टियां देख रहे हैं, थर्ड डान। ब्लैक बेल्ट में लेवल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरा थर्ड डान ब्लैक बेल्ट है। तो मतलब आप सबसे टॉप लेवल के ब्लैक बेल्ट हैं? जी, टॉप लेवल पे। जबरदस्त। और कितना टाइम लगा आपको ये अचीव करने में? तकरीबन मुझे समझ लो 13 साल लगे इसको। 13 साल कंटिन्यू। और ये आपने कराची में ही सीखा सब कुछ? जी, कराची में सीखा मैंने। इसके अलावा कहीं आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है? कहीं गए हैं आप ये करने के लिए? नहीं, सिर्फ फिलहाल पाकिस्तान के तक। फिलहाल पाकिस्तान। ये तीन पट्टियां किस तरह मिलती हैं? मतलब इसके लिए टेस्ट होता है, जैसे फर्स्ट राउंड का टेस्ट देते हैं, कम से कम उसका आपके लिए 20 फाइटें करनी पड़ती हैं। 2 मिनट का एक राउंड होता है, फुल बॉडी कॉन्टेक्ट फाइट होती है। कंटिन्यू आपने 40 मिनट तक फाइट करनी होती है सिर्फ ब्लैक बेल्ट तक के लिए। फिर सेकंड डान के लिए आपकी 25 फाइटें होती हैं। बस मिसाल के तौर आपने 50 मिनट रिंग में खड़े होकर फाइट करना होता है, बाकी आपकी बेसिक अलग होती है। उसके बाद थर्ड डान के लिए कम से कम आपको 30 फाइटें करनी पड़ती हैं। तब जो फाइट होती है मतलब मारा पीटी वाली फाइट? नहीं बेटा, ये टोकन डालते हैं उसमें कभी खेलते रहते हैं, जाहिर सी बात है। मतलब और उसमें हर जगह मार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह हर जगह हर जगह। मतलब ऐसे होता है ना यार, यहाँ नहीं मार रहा, ये वाला कमजोर है मेरा भाई, फाइट हो रही है यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है इसका। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है ऐसी काली बेल्ट बांध के खड़े हो? काली बेल्ट तो मेरे घर में 5-6 पड़ी है बेटा, उसमें वो 3 नुक्ते नहीं है ना, वो अलग से बने। मेरे में भी है 3 नुक्ते। अच्छा, वो छेद वाले होंगे। तो मुझे बताएं कि कभी ऐसी कोई चोट लगी जो आपको याद रही कि यार ये मुझे तरह जोर से लग गई थी बॉस? नहीं, जब बेल्ट टेस्ट होता है हमारा, तो बेल्ट टेस्ट के बाद ये कि उठते बैठते पता चलता है एक हफ्ते तक कि वाकई हमने टेस्ट दिया था। तो पूरे जिसे में टीसे निकल रही होती है, दर्द होता है, फिर पता चलता है वाकई। तो कोई डाइट फॉलो करते हैं बाकायदा? जिसके डाइट भी होता है, कम से कम जो हमारे बच्चे आते हैं उनको हम कहते हैं जंक फूड से आप परहेज करें, सॉफ्ट ड्रिंक से आप परहेज करें। ठीक है। और डेली की आपकी ट्रेनिंग, कम से कम दिन में आपको 2 टाइम दूध मस्ट है आपके लिए। तो आप लोग कोई मालिश वालिश करवाते हैं? नहीं, मालिश की जरूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग ही टफ होती है। अच्छा, तो जिस तरह वो जो पहलवान होते हैं वो तो कहते सुना है बड़ी उन ऑयल और मालिश वालिश करवाते हैं इसके लिए? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग का कुछ नहीं? आप लोग अलग इलाके में? नहीं। भाई नहीं करते ना वो, उनके इलाके में नहीं होगा मालिश। ठीक है, जिस तरह बासित एफर्ट करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ट्रूली इंप्रेसिंग यार। और यार माशाल्लाह पूरी एकेडमी चला रहे हैं, तो वेल डन, जबरदस्त। मुझे बताएं आज हमें आप क्या करके दिखा रहे हैं? आज हम आपके सामने सबसे पहले हमारी होगी बेसिक असेंबली। ठीक है, बेसिक असेंबली का फिर हम कंडीशनिंग करके दिखाएंगे हैमर से। ठीक है, 10 पाउंड का हैमर होगा आपके 100 लोग, हमारे जो लड़के हैं, हम मजबूती दिखाएंगे हमारे एक फाइटर कितना मजबूत है। हम जो कराटे कर रहे हैं ये क्यू कुशन कराटे, ये दुनिया के मजबूत तरीन कराटे, इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट कराटे इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ लो कि दुनिया के सबसे मजबूत तरीन कराटे। तो हम आपको जो ब्रेकिंग करके दिखाएंगे वो आप खुद देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि कितने स्ट्रॉन्ग है हमारे बच्चे।
बिल्कुल ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये कोई भी कर सकता है या आप पिक कर देंगे यार ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता? नहीं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जो बच्चे इतना टफ टाइम गुजारते हैं वो इस लेवल तक आते हैं। और इसमें कोई मतलब किसी भी उम्र के बच्चे को आप कोई भी टास्क दे देते हैं करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें एज वाइज भी देखा जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग देखी जाती है। किस एज से ज्वाइन कर सकते हैं इसमें? कम से कम बच्ची की उम्र 7 साल हो, कम से कम 7 साल, 7 साल बच्चा तक हर चीज समझ सके, कैच कर सके। कभी कभी ऐसा हुआ है कोई तजर्बा किया हो किसी स्टूडेंट पे और गलत हो गया हो? नहीं, अलहमदिल्ला आज तक ऐसा नहीं, वो तजुर्बा हम उन्हीं पे करते हैं, पर उनको प्रैक्टिस कराते हैं उस चीज़ की। अच्छा। बच्चे जब उस काबिल होते हैं फिर उससे वो चीज़ करवाते हैं, वैसा नहीं होता। तो आपकी आज टीम भी आपके साथ आई है? जी अलहमदिल्ला, मेरी टीम मेरे साथ थी। मैं चाहता हूँ आप नाम कॉल आउट करते हैं और बच्चे आपको ज्वाइन करते जाएं। इब्राहिम, 12 साल का बच्चा, अनस सलीम, अदनान बिन रहमान, हाशिम मलिक, फैसल खटक, सख्त लग रहे बच्चे सारे, डिसिप्लिन है ना, सारे सख्त लौंडे, जुनैद, ये तो गेम ही डिसिप्लिन की है यार, आप लोगों तो बिल्कुल, और कंट्रोल, कंट्रोल, वाह जी वाह भाई, आप सब लोगों के लिए बहुत सारी एक तो तालियां, थैंक यू। और माशाल्लाह इनका खड़ा होने का पोस्चर ही ऐसा है कि ये वाकई बहुत स्ट्रांग और इंटरनली स्ट्रांग भी लग रहे हैं सारे। हां लग रहे हैं, हां कर ले, दो दो हाथ करने तो मैं किसी से। हाँ हाँ हो जाए आधे। मैंने अक्सर सुना है कि जिसने बेल्ट बाहर बांधी हो ना कमीज के उससे नहीं लड़ना। ठीक है तो सर स्टेज आपका है, उम्मीद करता हूँ कि आप जबरदस्त परफॉर्म करेंगे और आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको लोग पजीराई भी मिलेगी आपको और आपको इंशाल्लाह से ज्यादा तरक्की भी मिलेगी। कराटे में बैठने का स्टाइल है। ठीक है ठीक है, मैदान मौशी गिरी जोधा मौशी गिरी हच मुझे इनको देख के ये लगा कि आइंदा फटा हो तो छोटे लड़कों को लेके जाएंगे है ना, छोटे इतना टेंशन में डाल देंगे आपको। स्टिचिंग करके दिखाएंगे, स्ट्रेचिंग करके दिखाएंगे, स्ट्रेचिंग सीखो, स्ट्रेचिंग पहले अपने। अरे यार, अरे बहुत आला यार, जबरदस्त। अरे आदि ये कर लिया ना तो ऐसे ही हो जाएगा, मैं सो उठता ही ऐसे। शट अप, बॉडी मूव, ऐसा करके छोड़ता कौन है? जबरदस्त यार, वाह वाह ये ठीक है यार। डाउन, बॉडी रोल, बॉडी रोल, ये ठीक है यार, बाल खुद ही बना लो अपने, जबरदस्त। शट अप, अभी हम आपको बॉडी कंडीशनिंग करके दिखाएंगे। हम आप सब तीन चारों को दावत देता हूँ कि आप इन बच्चों को चेक करें पंच मार के। आपने आज तक किसी को हिट किया है? हमने, मैंने गाड़ी को ही किया है, बेचारी गाड़ी का बोनस, और उस गाड़ी वाले ने इनको हिट किया था। भाई हमसे नहीं हो पाए, हमसे ना करवाएं, आप करें ज्यादा अच्छा है। अगर हमने हिट किया उसने पलट के हमें हिट कर दिया, हमें कौन ले जाएगा? वो तो डंडे ले आया भाई, हैमर ले आया। ये 10 पाउंड का हैमर है, आपने रेसलिंग में देखा होगा, रियल में आप देखेंगे। हां तो स्लेज हैमर है। हाशिम, अदनान, फैसल भाई हमारा सेट मत तोड़ना, बाकी सब ठीक है, काम बाकी है अभी। हथौड़ा मारेंगे? अरे भाई ओ भाई आराम ना, ओ भाई या अल्लाह, अरे अरे यार जबरदस्त यार, बहुत आला है यार। हमें जरूरत है सुपरमैन बैटमैन इन लोगों की जब ये लोग हैं। जबरदस्त यार, मैं चाहता हूँ कि ये लोग देखें और सीखें कि सीखें कैसे होता है यार, जनरेशन सीखे। फालतू में बैठे टाइम जाया कर रही है, तो लगे होते पबजी पे, हां स्लो मोशन पे चल रहे होते हैं अक्सर लोग। कुछ तो क्रिएटिविटी है उनकी लाइफ, कमाल है यार। अभी बच्चे आपको फाइट करके दिखाएंगे। हां ठीक है, अच्छी बात ये कि कम से कम आप ये सीख तो सकते हो ना अपना। हाँ। सेल्फ डिफेंस अगर आपको करना हो
तो यू कैन लर्न दिस, सब कुछ आजकल बहुत जरूरी है अब तो यार, बहुत जरूरी हो गया ये मेंटली भी। देखो तो कहां तक आ रही टांग, ये देखो यार, ये चेक करो आराम से भाई, वाह जी वाह। वाओ, हैंडशेक भी आया करना। हाँ, तो ये रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट है यार, रिस्पेक्ट कैसा, रिस्पेक्ट जरूरी है। व्हाट्स अप इन ऑन फील्ड, हथौड़े वाले भाई आ गए। अच्छा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये भी सिर्फ बता रहे हैं। ओए 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 यार, बॉडी पोस्चर की वो चेक करो। जबरदस्त यार, मुझे लगता है ये आजकल जो हमारा जिस तरह जमाना खराब होता जा रहा है, हर किसी को इसका बेसिक तो आना ही चाहिए। हाँ, अच्छा मुझे बताएं बासित भाई, मैं आपसे एक आउट ऑफ द से बात कर रहा हूँ कि क्या ये खवातीन भी सीख सकती हैं? जी बिल्कुल, खवातीन भी सीख सकती हैं, क्योंकि आजकल जो हालात है ना, मुझे लगता है खवातीन को भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कम से कम ये आना चाहिए। हाँ। दो चार मुक्के तो मारने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यहाँ की खवातीन पता सेल्फ डिफेंस कैसे करती हैं? हाँ। तुम मुझे तंग करो, मैं खवातीन हूँ। कहाँ जा रही हो भैया? हाँ जी, अभी ये बच्चे आपको सेल्फ डिफेंस टेक्निक करके दिखाएंगे। हाँ यार, ये जरूरी है ना, देखें, वेरी गुड। फर्स्ट मैंने सुना है स्कूल्स में भी अब सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखा रहे हैं, व्हिच इज वेरी गुड यार। अभी जैसे कोई अगर आपको बालों से पकड़ते तो किस तरीके से आप डिफेंस बचा सकते हैं आप? ठीक है ठीक है, जबरदस्त यार, बेहतरीन। सेकंड, अगर आप वो कलाई से पकड़ दो किस तरीके अपने डिफेंस कर। हाँ, ये हमारे यहाँ कलाई वाला मामला होता है ना। अरे जबरदस्त यार, मुझे लग रहा है स्ट्रीट फाइटर देख रहा हूँ। सेकंड, गले से पकड़ते तो किस तरीके आप डिफेंस करेंगे? ठीक है, ये कैसे किया? दोबारा ये कैसे खोला तुमने? ये लॉक कैसे खोला? वाह यार, वाह जी वाह। ये अगली बार मेरा दर्जी नाप ले रहा हूँ मैं। जबरदस्त बासित भाई, बहुत मुझे खुशी हो रही है देख के कि यहाँ बच्चों की ऐसी ट्रेनिंग होती है। कोई अब बैक्स आपको पकड़ेगा तो किस तरीके अपना डिफेंस करेंगे? ठीक है ठीक है यार, वेरी नाइस, वाह यार, बहुत अच्छा। ये तुम अटेम्प्ट नहीं कर लेना, तुम घूम ही नहीं पाओगे ऐसे पीछे से। लास्ट, ये दूसरे डले घुमा के वापस ले आएगा। यार आप तो इधर आओ। कोई आपको दोनों हाथों से ग्रिप करेगा तो किस तरीके आप डिफेंस करेंगे अपना? मैं तो चमाड़ कराऊंगा अगर। चमाड़ आती बंद। ये देखे, ये बहुत अच्छे यार। अभी हम आपको ब्रेकिंग करके दिखाएंगे, टाइल ब्रेकिंग। ये एल्बो से टाइल ब्रेक करके दिखाएंगे बच्चों। बहुत आला यार, जबरदस्त। अब ये स्टोन मैं अपने हाथ से ब्रेक करके दिखाऊंगा आपको। यार बहुत आला यार, आपने बहुत सारे डेमोंस्ट्रेशन देखे होंगे जिनमें से मास्टर सिंपल ब्रेक करके दिखाता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहला पाकिस्तानी हूँ जिन्होंने हाथ में अंडा रख के कोकोनट ब्रेक करके दिखाया। मैं आपको भी दिखाऊंगा ब्रेक करके। जबरदस्त यार, अभी लड़का अपनी शिन से बेसबॉल का बैट ब्रेक करके दिखाएगा आपको। बहुत आला यार, जबरदस्त। चले, अभी हमारे ये दो लड़के आएंगे फाइटर, जिमनास्टिक का गेम करके दिखाएंगे आपको। वाह जी वाह, बहुत आला यार, जबरदस्त यार, बहुत आला यार,
ब्रेंडन यार बासित भाई, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के बच्चे भी ट्रेन हो रहे हैं, आप इतने मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, और ये सेल्फ डिफेंस वाला मामला बहुत जरूरी है कि आप सबको सिखाया जाए, स्पेशली स्कूल्स में भी, इवन खवातीन भी सीख सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, उम्मीद करता हूँ आज के शो के बाद लोग आपको मजीद कॉन्टैक्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, आपकी अकेडमी में मजीद लोग आएंगे और इसी तरह आप सबको सर्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। तो जी आपने देखा कि कितना जरूरी है सेल्फ डिफेंस करना, सीखा आपने? बिल्कुल, मैं सेल्फ डिफेंस बहुत करता हूँ। कहाँ करते हो तुम सेल्फ डिफेंस? डिफेंस में रहते हो? पता था मुझे तुम फुस बात कर रहे हो। मैं तुम्हारा तभी फुस कर दूंगा। मैं तुम्हें फुस कर दूंगा। यार ये क्या आदमी है यार। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक में वापस आते हैं, आप देख रहे हैं मजेदार शो। क्या बदतमीजी है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है हम्माद और फराज। आप लोगों ने देखा क्या जबरदस्त डेमोंस्ट्रेशन थी, और इससे मुझे एक चीज जहन में आई कि इम्यूनिटी बच्चों की और ये जो इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल से बाहर निकले तो बड़ी बात है। तुम्हारा को हालिया माशाल्लाह एक और एडिशन हुई आपकी फैमिली में, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो जी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, एक एक मर्ज है जो हमारी जिंदगियों में आके रह गया है। मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, मैं पोलियो की बात कर रहा हूँ जो अभी तक पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। पूरी दुनिया में कुछ ही ममालिक हैं जहाँ पोलियो एग्जिस्ट करता है, उसमें से पाकिस्तान एक है। उसकी बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि मौजूद है उसकी जो वैक्सीन है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को वो वैक्सीन भी दीजिए और इम्यूनिटी पर काम कीजिए बच्चों की। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं। जब आप जिम जाते हैं आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, अच्छा खाना खाते हैं तो इम्यूनिटी और उसके साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी से लड़ाई के लिए कर रहे हो, नहीं, आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आगे जाके जिंदगी में अगर मुश्किल आती हैं तो आप अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप उससे लड़ सकते हैं। ऐसे ही तो प्लीज अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे काम कीजिए। अब जो हम गेम खेलने लगे हैं उसका नाम है नो योर ब्रो। मजेदार 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 बिकॉज ब्रोस बैठे हुए यहाँ पे। नो 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 मतलब नो योर ब्रो, नहीं नहीं नो जानने वाला, नो जानने वाला, नो के एन ओ कनो कनो योर ब्रो, ठीक है ना जी। उसमें होगा ये कि एक भाई वहाँ चला जाएगा जो जोरदार गाने सुनेगा और हम उसके मुताबिक उसके मुतालिक आपसे सवाल करेंगे, फिर इसी तरह वाइस वर्सा करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कौन जाना जाएगा? इन पिन सेफ्टी पिन करो, इन पिन सेफ्टी पिन कर लेते हैं। वाह कितना जल्दी किया मैंने, वेरी गुड, जीते हो तुम तो, जल्दी कर लिया जी। गाने लगा भाई लड़के के कान में जरा जोरदार, फराज के गाने लगाओ। फराज की कैसी चीज जिससे आप जेलस होते हो? उसका गुस्सा। उसका गुस्सा, उससे जेलस होते हो? गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी, आता है लेकिन कुछ ज्यादा ही करता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है उस जैसा नहीं। ठीक है, वन टैलेंट दैट यू हैव एंड फराज डजंट हैव। फराज इंटेलिजेंट। फराज इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट नहीं है? मैं वो दिमाग से अच्छे फैसले करता है, बहुत सोचता है, फैसले अच्छे करता है ना, मतलब ठीक है, डिसीजन मेकिंग अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक है, वन टैलेंट दैट फराज हैज एंड यू डोंट हैव मैंने पूछ लिया। ये बताइए कि मोस्ट एंबैरेसिंग मोमेंट ऑफ फराज जो तुम्हें याद हो। क्या आप बोले और वो कहे यार ये नहीं बताना यार। यार फराज को किसी को नंबर देना था, हाँ, वो नहीं दे सका था, ठीक है, तो मैं बन के उस उधर नंबर देकर आया था, हाँ, और फिर उसके बाद सिलसिला जारी हुआ। अरे वाह, ठीक है, अगर उसे याद है तो। हाँ अभी देखते ना वो क्या बताता है। अच्छा दोनों पोले खुल जाएंगे। अच्छा अब एक बताओ, एक ऐसा टैलेंट जो तुम्हारे पास है और फराज के पास नहीं है? यार मैं लोगों से अच्छे से घुल मिल जाता हूँ, फराज बहुत रिजर्व रहता है, रिजर्व रहता है, देखता है, समझता है, फिर घुलता है। ठीक है, अच्छा व्हाट इज दैट वन थिंग दैट फराज विल नेवर फॉरगेट इन डेली रूटीन? ऐसी क्या चीज है जो फराज भूल ही नहीं सकता पूरे दिन में, जो बहुत जरूरी होती है, जो करता ही करता है, होनी होनी? यार मोबाइल अपना नहीं भूलता कभी, मोबाइल नहीं भूलता कभी। मोबाइल में क्या खेल है बेटा, बहुत हर वक्त फोन कॉल्स काम बिजनेस चीजें उसमें लगा रहता है, लगा रहता है, हर बात भी करो तो मोबाइल में, हाँ 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 सही है ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन मोबाइल के साथ रहता है मोबाइल। चलो भाई लड़के उतारो, आयो आयो आयो, नहीं नहीं अभी तुम यही बैठो। मैं बैठूं? अभी तो पकड़ा है। अच्छा थोड़ी जिल्लत होनी है, बेइज्जती खराब हो रही है ब्रो, भाई इसने तो तुम्हारे सारे पोल पट्टियां खोल दी। बस ठीक है भाई, ये काम है, अभी अभी पता चलेगा भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया है। हाथ से बताता हूँ, अल्लाह करे मैं दिमाग लगा के सुन ले, हट जाओ, सुन ले वो मेरी बातें, मत देना इसको। अच्छा ये मेरे बारे में सवाल आते हैं, आपके बारे में सवाल आते हैं, इन्होंने जवाब दे दिए, बता दी दो चार बातें। ये बताओ कि हम्माद ने ये क्या कहा होगा जब मैंने उससे पूछा होगा कि कोई एक ऐसी चीज जो जिससे वो जेलस होते हो आपकी? मेरी तुम्हारी कौन सी चीज से जेलस हो सकते हैं हम्माद? चीज या मेरी कोई ऐसी आदत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कि जो जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जब ये इंटरप्ट करता है, हाँ, और मतलब मेरी बातें नहीं समझना, मैं अगर कुछ समझा रहा हूँ यार, हाँ, ये चीज वो है, हाँ, ये वो है, ये कहता है क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे तुम, क्या हो जाता है तुम्हें, क्या जल्दी हो जाता है, क्या मतलब हाइपर हो जाता हूँ, हाइपर। ये चीज लड़के ने कहा था
मैं उसके गुस्से से जेलस होता हूँ, वेरी नाइस, मुझे उसको गुस्सा आ जाता है, मुझे नहीं आता जल्दी। इसमें कोई बजा दो कोई, मतलब लोग लड़के बैठे तुम लोग को भी पैसे मिलते, कर लो बेटा, बड़ी मेहरबानी। ये लाइट आ गई हमारी, वेरी गुड। अच्छा, एक ऐसा टैलेंट जो आपके पास है और उनके पास नहीं है, बात करना लोगों को। कौन अच्छी बातें करता दादा? मैं मतलब लोगों से गिफ्ट ऑफ गैब है, बात करने का फन, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी बातें हों वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो नहीं कहा था उन्होंने। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने तो कुछ और कहा था, भूल गए। हाँ मैं भूल गया हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था। एक ऐसा टैलेंट इनका जो इनके पास नहीं है, वही तो फराज लोगों से ज्यादा जल्दी मिल जाता है, मिल जाता है ना, बात करना। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब एक ऐसा टैलेंट जो उनके पास है और तुम्हारे पास नहीं है। दिल का बहुत अच्छा है और लोगों पे बहुत, ये कौन सा टैलेंट होता है? नहीं, बिलीव करता है लोगों के ऊपर आसानी से। आसानी से मतलब हम कुछ भी बोलें, मैं अगर कुछ बोलूं, अबे भाई क्यों इतनी जल्दी बिलीव कर लिया, एक बंदा आया भाई ये काम है, अच्छा जा रहा है, ये मान ले, सोचता है दिमाग, ये हां मैं जरा कहा उसने कहा आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। हां मतलब वही चीज ना कि मैं कहता हूं भाई ये क्यों कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि जब मैंने इनसे पूछा होगा कि फराज की कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट बताइए, तो उन्होंने क्या बताया होगा? और बताया है फराज ही देख रहे हैं, एक बताया है इन्होंने, खबरदार मेरी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट एक, और उन्होंने कहा बहुत हैं, और हमने जब आपको उसके बाद देखा तो हम बहुत एम्बैरेस से हुए कि आप ये कर रहे हैं। यार लड़का इतना अच्छा खासा दिख रहा है, क्यों किया इसने बताओ? उसने कहा इतनी सारी है कि मैं तो एल्बम बना सकता हूँ उसमें। मेरी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे मोबाइल पे घुस जाए या चीजों को करे, मेरी पर्सनल चीजों में नहीं बॉस। एक जगह आपको नंबर चाहिए था जो आपको नहीं मिला, जो लड़के ने दे के दिया, फिर आपकी बात बनी, ये मैं बता दिया लड़के ने, हमें पता लग गया कि अच्छा ठीक है बस भाई। वो कौन सी चीज है जो आप डेली रूटीन में नहीं भूलते, एक ऐसी कोई चीज, कोई ऐसी चीज के बाद नहीं रह सकता पूरा दिन? मेरी गैजेट मोबाइल भाई, वाह भाई वाह, कनेक्टेड यार जबरदस्त भाई, कनेक्टेड कनेक्टेड। चार जवाब उसने बिल्कुल सही दिए। हाँ। और आपने सही गेस किए, एक में कहीं एम्बैरेसिंग वाली तो हटाओ भाई, भूल जाओ, भूल जाओ। चलो भाई लड़के भागो भागो भाई, क्योंकि फराज भाई को नंबर चाहिए हो तो तुम्हें भेज देंगे। गाने सुनो भाई, फराज ख्याल करना, सस्ते वाले अच्छे टिकाओ देना। वेरी गुड, लगाओ भाई लगाओ, गाने चलाओ, झनकार सुनाओ लड़के को। आ गया, चलो अब आप बताइए वो हम्मा की क्या चीज है जिससे आप जेलस होते हैं? यार वैसे सच बताऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेक ऑफ मुझसे मतलब अगर मैं कोई चीज समझा रहा होता हूं तो उसके ऊपर ये चीज बोलना कि अभी भाई क्या हो गया, हर काम वैसे ही नहीं होता जैसे तू सोचता है, कभी कभी दिल से भी सोच ले क्या हो गया, करने दे। नहीं लेकिन ये तो आदत हुई ना, वही चीज होती है जेलेसी, कुछ और कोई और चीज होती है। मैं समझ गया, हमात को वही बता, कोई जेलेसी एज सच है नहीं मुझसे, ना मुझे उससे किसी भी लेवल पे या किसी भी चीज पे। ठीक है, तो मेरी नजर में तो इसका मेरे पास, चलो ये बता दो बेहतर एक्टर कौन है, तुम या हमात? हमात बेहतर एक्टर, चलो ये हम कुछ भी मतलब ठीक है, वन टैलेंट दैट यू हैव एंड हमात डजंट हैव, ये तुम्हारा जवाब क्या है? मैं जो समझता हूँ कि ये गिफ्ट ऑफ गैब बात करने का फन है, ही इज़ नॉट इनटू लोगों को समझाना, लोगों को समझना, ये अंधा भरोसा कर लेना हम मात का हर किसी के ऊपर। हाँ, ये हम मात करता है, मैं जरा रिजर्व रहता हूँ। हाँ याद रखना भी जवाब, ठीक है ना, ठीक है। अब वन टैलेंट जो उनके पास है और आपके पास नहीं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, बता रहा है उसको डरा दो ना पहले, गानों की आवाज यहाँ तक आ रही है, भरपूर सुन रहे हो गाने। हम्माद की एम्बैरेसिंग मोमेंट ये हम जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये ही वाज इनटू सम रिलेशन बिफोर, अंडरस्टैंडिंग थी कुछ था, लेकिन ही हैज गट्स टू स्पीक टू द पेरेंट्स, बट ही नीड एन एंकर शीट, किसी का सपोर्ट चाहिए था उसके, तू बात कर, तो मैं उसके साथ खड़ा होकर वो सारी बातें करता था, भाई करने दें क्या हो गया, ठीक है, इफ ही इज इनटू समथिंग देन लेट इट, वो हो गया somehow it हाँ. did not happen, चलो ठीक है, for the betterment आदि इतना बड़ा reaction नहीं, इतना बड़ा reaction देंगे को परेशान है, जोर से हंसते ना, 2 3
ओ भाई बहुत आला भाई, बहुत नहीं नहीं रह गया, एक रह गया बस, एक रह गया। अच्छा एक रह गया। हाँ कोई एक ऐसी चीज जो हम मात कभी भी ना भूलते हो डेली रूटीन में? जिम। जिम जिम पक्का पक्का करते हैं। चलो मैं बुला लड़कों को, आ भैया आ भैया। यार तुम्हारा एम्बैरेसिंग मोमेंट यार, आपका तो एम्बैरेसिंग मेरे से भी ज्यादा था यार। सर अब आपसे तो ऊपर आना है ना लेवल में, मतलब यार एम्बैरेसिंग मोमेंट तो तुमने तो बहुत लिहाज किया था यार। अच्छा हां, सारी बात खोल के बता दी कि ये क्या हुआ है। और अच्छा मुझे याद नहीं पड़ा, बताइए कौन सी अच्छी बात है। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अच्छा जी बताइए कोई ऐसी, पहले बताइए कि कौन सी चीज है आपकी जिससे जेलस है? मेरी जेलस है या जेलस हो सकते हैं यार, आई थिंक अगर क्योंकि वो पीछे पहले पड़े हुए थे कि भाई मैं किसी चीज से जेलस नहीं हूं, लेकिन हमने कहीं जवाब ये तो है जेलसी हम में नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक आदत शायद जो नोट बहुत की है, ये ट्रस्ट नहीं करता, मैं शायद ट्रस्ट कर जाता हूँ इस बात पे कभी। ये कहता है क्यों करता है भाई, बहुत आला यार क्यों करता है, ये बहुत बहस होती है इस पे, आए दिन होती है, आए दिन वाली बात है, समझाता रहता हूँ क्यों भाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, भरोसा कर लेता मैं नहीं करता, घुल मिल दोनों जाते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा ही जल्दी आगे निकल, कुछ बोला ना अच्छा भाई प्यार में आगे निकल जाता है, वर्गो है ना बेचारा, मैं भी हूँ ये, 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 हाँ, ये एक आदत है बस, ये एक बुरी आदत ठीक है। अच्छा वन टैलेंट दैट यू हैव एंड ही डजंट हैव, यार टैलेंट मेरे ख्याल से बराबर ही है, मैं कभी ऊपर नीचे कभी मैच नहीं किया, कोई ऐसा टैलेंट कि आप बनियान जल्दी उतार लेते हो, लड़के ने तो फटाक जवाब दिया कि ये ऐसे ये मैंने पूछा आप ये यार मुझे लगता नहीं है, लेकिन समा मुझे लगता है शायद कहीं एक्टिंग को ये कहता है, अरे भाई शायद ये लड़का भाई ये इनको फले मिल चुके थे क्या भाई, शायद मैं कंफर्म, मैं 110% कंफर्म नहीं था लेकिन मुझे लगा एक चीज, इन्होंने यही बोला, ये अमूमन बोलता है, मुझे नॉर्मल बोलता है यार तू अच्छा एक्टर हो गया है, नहीं इसने बोला ये बोला कि मुझसे बहुत अच्छा एक्टर और सीनियर भी है मुझसे, तो मैं इससे बहुत कुछ सीखता भी हूं ट्रूली, इसमें कोई व्हिच इज वेरी गुड, इंडस्ट्री में आप मुझसे पहले आए हो तो वो चीज है ना, हां नहीं दुनिया भी आपसे पहले, 5 मिनट बेहतर एक्टर ठीक है जी। कोई एक टैलेंट इनका जो आप में ना हो? कम्युनिकेट करना लोगों से, वही जो जवाब दे दिया, और इनको किसने फर ये मुझे लग रहा है असली भाई है, मैं बता रहा हूं ये तुझे कम्युनिकेट लग रहा है, क्योंकि मैं अमूमन थोड़ी सी मिसाल दूं तो बैठा हूं तो कभी बात करनी होती है तो मैं हाँ मैं देखता हूँ यार कुछ ये है यहाँ कवर कर ये वाली बात है ये हाँ। कोनी आती है हाँ भाई शुरू हो जाए हाँ भाई हाँ भाई हम तो ये बताते थे हम तो यहाँ से जाते थे ये करते थे ये खाते थे ये पीते थे ये करते अच्छा बस रुक जा हाँ ठीक है सही है ये वाली आदत है। अब आ गया मामला खराब वाला, थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात, थोड़ी सी नहीं काफी है, तुमने तो बहुत लिहाज किया था, लड़के ने तो बता दिया, 5 मिनट छोटा है ना, छोटा तो शरारती होता है। हाँ एम्बैरेसिंग मोमेंट आपकी, मोस्ट एम्बैरेसिंग जो आपको लगती है ना, आप अपना जवाब दें कि भाई मुझे लगता है मेरी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ये थी, फिर आपको पता चलेगा कि इन्होंने आपको इस तरह से जज किया था, बताइए क्या थी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, बहुत सारी हैं, उसमें से कोई एक चुनना भी बड़ी मुश्किल है। हाँ तो एक चुन लो जो तुम्हें लगता है ये बहुत ज़्यादा दिया। हैंड भी नहीं दे सकते? ना भाई ना, कोनियाँ भी दूर कर लो। बता दिया दो कोनी मारो तो ये वाली बात है। मोमेंट कौन सी वाली गई? कोई भी तुम्हें कौन सी याद है? नहीं देखो आंखों में देखते देखते प्यार हो जाएगा, ऐसे ना करूँ। हाँ जल्दी बताओ ये नहीं कुछ आप बताए ना, आप आखिरी बार अपनी बता दो, अब तुम्हें लगता है यार ये मेरी जिंदगी की सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, बता दो कुछ शादी से पहले की शर्मिंदगी की हरकत कोई चीज को बात कहीं मुंह काला कराया हो? नहीं कभी मुंह हमेशा सफेद ही रहा, लगा शुक्र है काले वाली हरकत कभी नहीं हुई, शुक्र है। शायद एक डिसीजन शायद कहीं लेने जा रहा था और फिर उस ये उसने रोका था, सपोर्ट किया, इसने बयाना नहीं देने दिया था। हाँ नहीं बयाना नहीं, इसने कहा कि बयाना नहीं देने दिया, इसने रोका कि नहीं ये गलत हरकत है, बयाना नहीं देने दिया। कुछ ऐसे ही था तकरीबन, उन्होंने कुछ ऐसे बताया, मुझे जो याद पड़ता है एक डिसीजन में लेने वाला था पास में, बहुत पास था तो उसने रोका मुझे, सपोर्ट में साथ चला गया था, ऑल्दो समहाउ ये काफी हद तक एग्री क्योंकि समझ रहा था चीजें देख रहा था, लेकिन फिर जब आपके सर पे चढ़ी हुई थी। हाँ हाँ क्या चीज नहीं मोमेंट मोमेंट अरे भाई मोमेंट सर पे चढ़ा हुआ था, कहना क्या चाहते हो भाई, तो सादी बात कर रहे हैं, सादी बात कर रहे हैं, सब समझ के क्या बात हो रही है, सब समझ के क्या बात हो रही है, एक मोमेंट था ठीक है। अच्छा एक चीज जो आप डेली रूटीन में कभी नहीं भूलते, जिम
दोनों ने एक एक जवाब गलत दिया, जिम चार चार बिल्कुल सही दिए, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे भी यकीन हो गया, पक्के भाई। हाँ बिल्कुल पक्के भाई। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। अच्छा जी जबरदस्त। अब अगला जो गेम है उसका नाम है मूव ऑफ द डे। मजेदार 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 मजेदार। और वो हम सबके मतलब का, उसमें होगा कि एक मूव करेंगे आप, वो हम दोनों करेंगे, फिर एक मूव करेंगे आप, वो हम तीनों करेंगे, और फिर वही मूव ऑडियंस करके हमें वीडियोस भेजेंगे जो हम पोस्ट करेंगे। ठीक है जी, बेसिक मूव्स ताकि ऑडियंस बेसिक मूव्स कोई हमने माइकल जैक्सन या किसी ने नहीं बनाया। आ जाओ आगे, चलो भैया शुरू हो जाओ। एक मूव करो कोई भी एक मूव, कोई भी एक मूव, इसका मूव हमें भी करना है। हाँ करो, पहले तुम करोगे अकेले। ये कल हुआ है, ये हमने कल किया है। ये अरे वाह, चलो तुम्हारी बारी करो साथ साथ। अरे वाह, अबे चार की जगह कैसे बनाएंगे हम? चलो भाई 1 2 3 दोबारा भाई चले जी। वन 2 3 अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब आदि भाई बच्चों को ट्यूटोरियल दिए कैसे करना था ये। बच्चों प्यारे बच्चों, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, फिर 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 जलेबी बना। लस्सी बना दो, लस्सी बना दो, जलेबी। अब जरा बीट पे, बीट पे, बीट पे करके दिखाओ, बीट पे करके दिखाओ। 1 2 3 वाह जी वाह सर, क्या बात है। भूखा नहीं मारूंगा। हाँ नहीं, वो तो हमें पूरा यकीन है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का, आप लोग के आने से वाकई शो मजेदार हो गया सर। नहीं थैंक यू, आप दोनों ने हमें गेस्ट बुलाया, टीवी वन का शुक्रिया इस सबके लिए। और अमेजिंग एक्सपीरियंस, इतने महीनों बाद कहीं खुल के बैठे अपने यारों में, लग रहा संगत में बैठे और हाँ यार मजा आया और मजेदार मजेदार ही रहे अल्लाह करे जिंदगी भर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग के बहुत सारे चाहने वाले ये शो यकीनन देखेंगे, कुछ लोग जो ये शो देखते हैं वो भी ये शो देखेंगे। तो अगर आप लोग के पास कोई मैसेज है तो प्लीज दैट कैमरा इज योर्स, तो आप लोग कुछ कह सकते हैं। कुछ फिलोसफिक बातें बोलूंगा जिसको समझना बहुत आसान होगा। मैंने बोला ना कि हर मकसद का फायदा उठाना, लेकिन किसी के भरोसे का फायदा नहीं उठाना जिंदगी में। जबरदस्त, क्योंकि जो आप पे भरोसा करता है ना वो बहुत अनविलिंगली ट्रस्ट कर रहा होता है आपके ऊपर। और इसी के साथ दूसरी बात ये कि जो करो राइट वे में, राइट मैनर्स में करो, जिससे आप आगे तो जाओ लेकिन किसी को पीछा दिखा के आगे नहीं जाओ। ठीक है, किसी को गिरा के आगे जाने में कोई खुशी नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। ठीक है, और मेहनत के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा कि मेहनत करने में अगर लिबास गंदा हो जाए तो वो ज़मीर गंदा करने से बहुत बेहतर है। जबरदस्त, लग नहीं रहा कि चार छिछोरे इतनी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे ही, जैसे फराज ने कहा है कि ये सारी चीज़ें करें अपनी ज़िंदगी में, और कोशिश करें खुश रहने की आदत डालें। दूसरे की खुशी को ये ना समझे कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, तरक्की क्यों कर रहा है, जाले से खुद में वो शऊर वो हिम्मत पैदा करें कि आप कुछ कर सकें ज़िंदगी के अंदर। और हमेशा खुश रहें, अपने आसपास लोगों का ख्याल करें। जिस तरह का हालात दुनिया भर में चल रहा है, ये सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, दुनिया भर इससे डिस्टर्ब है। तो ख्याल करें, जितना सबका ख्याल कर सकेंगे उतना अल्लाह की ज़ात आपका ख्याल करेगी। देने वाले बने तो जब देंगे ना तो फिर अल्लाह खुद नवाजेगा। वो कहते हैं कि हसद ना कर, शुक्र कर, गिन नहीं पाएगा। हसद करेगा तो कुछ रह नहीं पाएगा। आजकल के माशरे में बहुत सी चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा डिस्टर्ब हैं, लोगों के अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उससे चलते हैं। तो एक चीज़, लोगों से वो सवाल ना करो जो रब ने इंसानों से करना है। बेहतरीन बात, कि क्या मजहब है, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ये तो रब के मामलात हैं। लोगों से वो सवाल करो जो इंसान ने इंसान से करना है। पूछो ख्याल, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, क्या भूखे हो, कोई तकलीफ है। ये आजकल की दुनिया में, ये माशरे में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और ये क्यों ख़त्म है सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये डिस्टर्ब किया जा रहा है पूरी दुनिया को, खित्ते को, कि इन चीज़ों में इंसान फसाद। हम हर जगह कंपटीशन की बात करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ पे बात क्यों नहीं करते हैं? क्या बात है, कलेक्टिव एफर्ट सिनर्जी की बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल सही, आपको मैं बुरा, मेरी कोई बात आपको बुरी, आपकी ये भाई बुराइयों को तल्ख करते हुए अच्छाई के साथ कोलैबोरेटिव करके कहाँ जा सकते हो आप? देखो आप दोनों की मिसाल अपने आप में, माशाल्लाह माशाल्लाह।
दिस इज द मैसेज भाई. ये मैसेज ऐसा है कि जिसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मुझे लगता है कि आप इसे जब भी देखेंगे आप इसे कुछ ना कुछ सीखेंगे. खुदा रहा लोगों से वो सवालात ना करें जो खुदा ने करने, इंसानों वाले सवालात करें. तो अगर इंसानों के साथ रहेंगे तो इंसान बन भी जाएंगे इंशाल्लाह. तो प्लीज़ इंसान बनिए. अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो कि यहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म पर हमारे शोकेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इनबॉक्स में हमें मैसेज कीजिए जो इंस्टाग्राम पर है द मज़ेदार शो. और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ पर इन्वाइट करें. आदि भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा जो मैं आज दो तीन दिनों से लोगों को कह रहा हूँ कि प्यार के बारे में सोचें, प्यार करें और प्यार बांटें. और अगर कोई मिले ना फिर? और कोई ना मिले तो अपने आप से प्यार करें. बेहतरीन. जो खुद से प्यार कर सकता है वो सबसे प्यार कर सकता है. क्या बात है, बेहतरीन ये बात है. सिर्फ एक आदमी समझाए कि जोक क्या था, वो वहां से ताली बजाई. तो जी उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो पसंद आएगा. और अगर पसंद आया तो प्लीज अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा. आप देख रहे थे दी मज़ेदार शो. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजीन राहत. आप लोग मुझे बहुत जल्द देखने वाले द मजेदार शो पे आदि और फैजान के साथ, ओनली ऑन टीवी वन. मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार.